नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। तेजस्वी यादव ने बड़ा फैसला लिया। देखिए फैसला 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस बार भिड़ंत महागठबंधन बनाम एनडीए गठबंधन होना है, और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के साथ हैं। तेजस्वी यादव को पता है कि 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव बेहद ही खास है, खास राष्ट्रीय जनता दल के लिए, क्योंकि तेजस्वी यादव दिन रात एक कर लगातार मेहनत कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार बैठक पर बैठक राजद के इसी प्रदेश कार्यालय में चल रही थी, और उसके बाद तेजस्वी यादव पहले चरण का यात्रा लगभग समाप्त कर चुके हैं, और ऐसे में तेजस्वी यादव कुछ नेताओं को बड़ा टास्क दिया गया। वो कौन नेता हैं जिन्हें तेजस्वी यादव ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, हम आपको तमाम बातें बताने जा रहे हैं। देखिए जिम्मेदारी भी छोटी जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी बड़ी जिम्मेदारी। हम बड़ी जिम्मेदारी का जब जिक्र कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव ने भरोसा जताया है, और तेजस्वी यादव को ना केवल भरोसा है बल्कि उम्मीद भी है कि ये तमाम नेता उनके दिए गए टास्क पर खरे उतरेंगे। और देखिए तेजस्वी यादव लगातार सक्रिय हैं, दरभंगा मुजफ्फरपुर इन तमाम जिलों से तेजस्वी यादव गुजरे हैं, और कार्यकर्ताओं से मौजूदा हालात जाना है, क्षेत्र में कार्यकर्ता कितने ग्राउंड जीरो पर सक्रिय हैं। तेजस्वी यादव ने रिपोर्ट कार्ड भी तैयार कर लिया है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने इस बार पहले चरण में जो यात्रा की, चार जिला तेजस्वी यादव घूमे और कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित किया। देखिए तेजस्वी यादव का यह यात्रा और कार्यकर्ता संवाद, जो कार्यकर्ता संवाद तेजस्वी यादव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव एक बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पार्टी को मजबूत करना है, यह एक बड़ी जिम्मेदारी तो है ही, साथ ही चुनाव भी बहुत नज़दीक है। ऐसे में तेजस्वी यादव को इस बात का भली भांति जानकारी है कि एक चूक कहीं ना कहीं 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में भारी पड़ सकती है। जीत कुछ ही कदमों पर है, तेजस्वी यादव का मानना है कि बस थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, और यह थोड़ी मेहनत कार्यकर्ता करेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वह भी अपने आप को पार्टी का सिपाही और कार्यकर्ता ही मानते हैं, और यही कारण है कि तमाम नेताओं को तेजस्वी यादव निर्देश दे रहे हैं कि अब वक्त है, जागिए और लोगों के बीच जाइए। मगर आज जब हम बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव जब संवाद कार्यक्रम, कार्यकर्ता संवाद कर रहे थे, उस दरमियान तेजस्वी यादव ने बड़ा डिसीजन ले लिया है, बड़ा फैसला ले लिया है। 19 तारीख को तेजस्वी यादव जहां एक तरफ सदस्यता अभियान की शुरुआत करें, और सदस्यता अभियान की शुरुआत तेजस्वी यादव करने जा रहे हैं, उससे पहले तेजस्वी यादव ने अपने पार्टी के तमाम नेताओं को, चाहे वो जिलाध्यक्ष हों या विधायक हों या फिर प्रभारी हों या कार्यकर्ता हों, उन तमाम लोगों से तेजस्वी यादव ने बातचीत की, और बातचीत के दरमियान तेजस्वी यादव ने दो अहम बातें कही। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम यह कहते हैं कि हम बड़ी पार्टी हैं, हम यह कहते हैं कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करेंगे और बिहार में सबसे बड़ी पार्टी, नंबर वन की पार्टी बनकर उभरेंगे, इसके लिए मेहनत करना होगा। यह कतई नहीं कहा जा रहा है कि कार्यकर्ता या नेता मेहनत नहीं कर रहे हैं, मगर ग्राउंड लेवल पर, ग्राउंड जीरो पर कहीं ना कहीं चूक कसक रह जा रही है। तेजस्वी यादव ने निर्देश दिया है कि गांव कस्बों में जाइए, और ना केवल जाइए बल्कि पार्टी के विचारधाराओं को जन जन तक पहुँचाइए। तेजस्वी यादव ने दूसरी सबसे अहम बातें कही। तेजस्वी यादव ने कहा कि ना केवल आम जनता राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ना चाहते हैं, बल्कि जो अन्य दल के से जुड़े हैं वह भी अब राष्ट्रीय जनता दल की ओर रुख कर रहे हैं। बस केवल और केवल
थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को, और यह बताने की आवश्यकता है कि फिलहाल बिहार में और केंद्र में जो सत्ता में काबिज हैं वो किस तरीके से जो आम जनमानस उनके समस्याओं नज़रअंदाज कर रहे हैं। उन्हें बताना है कि महागठबंधन और तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल जब सत्ता में थी बिहार में 17 महीनों के कार्यकाल को बताइए, और बताइए कि बिहार में वर्तमान में जो स्थिति है, जो डर का वातावरण है, जो लोग परेशान और बेहाल हैं, उन्हें बताइए कि 17 महीनों के कार्यकाल में बिहार में कितना विकास का काम हुआ। उन्हें बताइए कि जब सरकार बदली तो कितना रोजगार, कितनी वैकेंसियां निकली। उन्हें बताइए कि 17 महीनों में कितना रोजगार दिया गया युवाओं को। उन्हें बताइए कि तस्वीरें कितना बदली 17 महीने महागठबंधन की सरकार बिहार में चली। देखिए, तेजस्वी यादव जब इन बातों को कह रहे थे उस वक्त तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि देखिए, वक्त है एकजुट होने का, वक्त है एकजुटता के साथ आगे बढ़ने का, क्योंकि लड़ाई बड़ी है और इस लड़ाई को जीतने के लिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा। मगर इसी बीच तेजस्वी यादव ने जिला अध्यक्ष, विधायक और जो प्रभारी हैं उन्हें बड़ा टास्क दिया। उन्होंने कहा है कि अब ग्राउंड जीरो पर टीम तैयार कर भेजिए और गांव कस्बों में भेजिए, ना केवल गांव कस्बों में। अब मजबूती के साथ काम कीजिए, संगठन को मजबूत बनाइए और बूथ लेवल तक पार्टी को मजबूत, ताकि चुनावी रन में जीत भी हो और जीत भी ऐसे कि लोग कहे, विपक्षी दल कहे कि आखिर इतना मजबूत कैसे हुआ राष्ट्रीय जनता दल। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल मजबूत है और राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ, चट्टानी एकता के साथ आगे बढ़ेगा। ये तमाम बातें तेजस्वी यादव संवाद कार्यक्रम, जब कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित कर रहे थे तेजस्वी यादव, तो उन्होंने कहा। इतना तो स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव ने जिला अध्यक्ष और विधायकों को बड़ा टास्क दे दिया है, और ना केवल जिला अध्यक्ष और विधायकों को, बल्कि जो प्रभारी बनाए गए हैं वो तमाम चीज़ों को मॉनिटर करेंगे। देखिए, प्रभारी की सूची और प्रभारी कौन कौन बनाए गए हैं, हमने आपको वो तस्वीर और वो नाम भी आपको बताया है। अब जो हम आपको बातें बता रहे हैं वो अभी अंदर खेमे की बातें बता रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बड़ा टास्क दे दिया है जिला अध्यक्ष, विधायक और जो ग्राउंड जीरो के कार्यकर्ता हैं, जिनका रिपोर्ट कार्ड तेजस्वी यादव ने तैयार किया है, उन नामों का भी जिक्र हुआ है। देखिए, हम जब लगातार वीडियो बना रहे थे और आपको कह रहे थे कि तेजस्वी यादव ग्राउंड जीरो पर अपने कार्यकर्ताओं पर नज़र रखे हैं, तो ऐसे में अब स्पष्ट हो गया है। और तेजस्वी यादव ने जैसे ही उन नेताओं का, उन कार्यकर्ताओं का नाम बताना शुरू किया, तमाम बड़े नेता देखते रहे, भौचक रह गए। और तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि देखिए, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव और सभी जाति वर्ग समाज के लोगों को उचित भागीदारी राष्ट्रीय जनता दल देगी, और राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा आम जनमानस की समस्याओं का निदान करना है। तेजस्वी यादव ने तीसरी सबसे अहम बातें कही। तेजस्वी यादव ने कहा कि सदस्य बनाइए, राष्ट्रीय जनता दल से जोड़िए, मगर सबसे अहम चीज उनकी समस्याओं को जानिए, उनकी समस्याओं का निदान कीजिए, उनके सुख दुख में शामिल होइए। और जब आप उनकी समस्याओं का निदान करेंगे, जब उनके सुख दुख में शामिल होंगे, तो लोग आपकी पार्टी से और आपसे जुड़ेंगे। तो तेजस्वी यादव ने किन नेताओं को क्या टास्क दिया है, हमने आपको अंदर खेमे की बात बताई है। कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, पहले चरण की समाप्ति लगभग हो चुकी है, और ऐसे में तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार भूल चूक कतई बर्दाश्त नहीं। तेजस्वी यादव बहुत जल्द दूसरे चरण की यात्रा पर निकलेंगे, और यह यात्रा कार्यकर्ताओं के बीच संवाद स्थापित करने के लिए तेजस्वी यादव कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को क्या दिक्कत हो रहा है, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उन चीज़ों को भी तेजस्वी यादव समझ रहे हैं। मगर तेजस्वी यादव ने रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया है, कार्यकर्ताओं का रिपोर्ट कार्ड,
और वह भी हम आपको बताएंगे कि किन कार्यकर्ताओं का रिपोर्ट कार्ड तेजस्वी यादव ने तैयार किया है और वो रिपोर्ट कार्ड कैसा है। खैर, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे गुड्डू जी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।